अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एक नंबर मूवी है, चिंता मत करो स्पॉयलर्स के ऊपर बात नहीं करूंगा। खैर मन तो बहुत है लेकिन भावनाओं को कंट्रोल में रख के आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ बताता हूँ। इसका बैकग्राउंड स्कोर और इसके साउंड ट्रैक अमेजिंग है जो मूवी को मीनिंग देते हैं। इसका एनिमेशन स्टाइल एकदम गॉर्जियस है, हर एक फ्रेम इतना ब्यूटीफुल कि जितनी तारीफ करो उतना कम है। जैसे ग्वेन स्टेसी का यूनिवर्स वाटर कलर से बना है और हर एक यूनिवर्स और स्पाइडरमैन को अलग तरीके से डिजाइन किया है जो मूवी की एकदम फील बना देता है। इस मूवी में हम लोग माइल्स के कैरेक्टर को ग्रो होता हुआ देखते हैं लेकिन साथ में ग्वेन के कैरेक्टर पे भी फोकस किया है और इस मूवी में हम उसके कैरेक्टर को अच्छी खासी स्पेस प्रोवाइड की है। और फिर मिगवेल ओहारा, ओ भाई साहब, मेरे ओपिनियन में काफी बढ़िया अडेप्टेशन था उसका। और पवित्र प्रभाकर स्पाइडर पंक मुझे काफी ऑसम लगे। शुभमन गिल की आवाज हैंड्स डाउन पवित्र प्रभाकर के ऊपर एकदम फिट बैठती है और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई और इसकी डबिंग नहीं कर सकता था। और फिर इसके विलन को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। पहले आपको लगेगा कि यार किसे विलन बना दिया है लेकिन मूवी को आगे देखने में पता चलता है कि यार इसमें दम तो है। 2 घंटा 20 मिनट की मूवी में इतने सारे कैरेक्टर्स को बैलेंस वे में दिखाना काफी बड़ी बात है। और इस मूवी में इतने सारे सरप्राइजेस हैं कि मतलब यार हर सीन में मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि यार ये कहां से आ गया। और मूवी को ऐसे पॉइंट पे एंड किया है कि यार मतलब ऐसा लगा कि यार अभी क्यों किया, अभी तो फील आ ही रही थी। लेकिन चिंता मत करो, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि इसका अगला पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स नेक्स्ट ईयर को रिलीज हो जाएगा और इसे एक अच्छे क्लिफहैंगर पे एंड किया है जो सॉर्ट ऑफ होप को प्रोवाइड करता है। इसकी स्टोरी सुपर्ब है और इसमें एक्शन और स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है कि इसमें कोई फ्लॉज दिखते ही नहीं है। और हाँ, साथ में पहले मूवी का फर्स्ट हाफ काफी ब्राइट है पर मूवी के सेकंड हाफ से उसकी टोन शिफ्ट होकर डार्क हो जाती है। इसमें कॉमेडी एकदम सुपर्ब है और बच्चे और बड़े एकदम आराम से एक साथ में देख सकते हैं। ये मूवी सबको पसंद आएगी सही में। ये मूवी स्पाइडरमैन के ऊपर एक नया टेक लेती है कि इसमें ये बताती है कि स्पाइडरमैन बनना होता क्या है, जैसे नो वे होम में था। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि इस मूवी को देखने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। और हाँ, इसका पहला पार्ट इनटू द स्पाइडरवर्स देख के ही जाना, नहीं तो आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगी। और हाँ, इसमें कोई भी मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है जो कि काफी ऑब्वियस था। तो सही में इसमें इतने सारे हिडन डिटेल्स थे कि जब ये मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आएगी तो 3-4 वीडियोस इस पे ही लग जाएंगे। चिंता मत करो, मैं इस पे स्पॉइलर टॉक वीडियो बनाऊंगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर मेरा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके दोस्त को डाउट है कि यार मैं ये मूवी देखूं या ना देखूं तो ये वीडियो उसके साथ में शेयर कर देना। और वीडियो से रिगार्डिंग अपने थॉट शेयर करने के लिए कमेंट्स करो और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।